करते हैं, आइए देखते हैं क्राइम से खबरें। माँ बेटियों की मौत बनी रहस्य, 25 लोगों से पूछताछ, फिर भी पुलिस खाली हाथ। आगरा के पॉश कॉलोनी पांडव नगर में कारोबारी रोहित धुपड़ की पत्नी रितु 38 वर्ष की बताई जा रही और बेटी कायरा 3 साल की सचिता और 6 साल की रहस्यमय तरीके से मौत का मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया है। एफआईआर हत्या की धारा में दर्ज है, जबकि एक भी साक्ष्य जानने के लिए जाने को नहीं मिला है। पुलिस 25 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है, नौकरानी से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन 2 महीने की जांच में आत्महत्या जैसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। नजरें फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट पर है कि जिसके आने पर न जाने क्यों देरी पर देरी हो रही है। रितु, कायरा और सचिका के शव 24 फरवरी की शाम घर के ही बाथरूम में मिले थे। घर का मेन गेट अंदर से बंद था, तीनों नहाने की अवस्था में ही थी, बालों में शैम्पू लगा था। पहली नजर में तो पुलिस ने यही माना कि दम घुटने से तीनों की जान चली गई हो। गैस गीजर के पाइप से गैस लीक हो गई थी, सिलेंडर खाली था, लेकिन कुछ सवालों ने गुत्थी तो सुलझा दिया है। इसके बाद भी रितु के मायके वाले ने हत्या का केस भी दर्ज कर दिया है, इसी से पुलिस की जांच करनी पड़ रही है। नवादा में शराब के नशे में धुत पति ने पत्नी को चाकू से गोदा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। नवादा, साथ जीने मरने की कसम खाने वाला पति इतना हैवान बन सकता है कि उसने नशे की हालत में अपनी पत्नी को ही चाकू से गोदकर मार डाला। मामला नवादा के नगर थाना इलाके में जुनाटी गाँव की है। घायल पत्नी को चिंताजनक हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लड़की के पिता इंद्रदेव साव ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी रेशमा की शादी 2012 में नवल साव के बेटे विकास कुमार के साथ की थी। विकास कोलकाता में काम करता था, बुधवार की सुबह वह कोलकाता से आया और अपनी पत्नी से मिलने जुनाटी पहुंचा, जहां किसी बात को लेकर अनबन शुरू हो गई थी और नशे की हालत में रहे विकास ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया था। इसके बाद विकास ने शराब के नशे में अपनी पत्नी पर चाकू से वार कर दिया। विकास ने रेशमा पर 2 जगह चाकू से वार किया है, जिसके बाद परिजनों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी थी और घायल रेशमा को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पति विकास को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अभी पुलिस विकास के नशे में होने की बात पुष्टि नहीं कर रही है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच के बाद यह पता चलेगा। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए।